परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के अभियान में लगे हुए सभी माताओं बहनों भाइयों, स्वामी जी ने जैसा मुझे निर्देश दिया है वहीं से मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि परिवर्तन जब होता है तो शुरू में किसी को भरोसा नहीं होता और बाद में वो हो जाता है। भारत से मैं मेरी बात शुरू करता हूं। भारत में अंग्रेजों की व्यवस्था 1757 में स्थापित हो गई, माने अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 1757 में बन गई। पहले बनी बंगाल में, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में बन गई। और 1757 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, जो भारत से कुछ कपड़ा खरीद के दूसरे देशों में बेचती थी और चीन से चाय लाकर भारत में बेचती थी। यहां से उनका व्यापार शुरू हुआ था 1618 में। तो किसी को भरोसा नहीं था। सबसे पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि चाय बेचने वाली कोई कंपनी भारत की मालिक हो सकती है, ये किसी भारतवासी को भरोसा नहीं था। लेकिन ये भरोसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कुछ खेल खेला इस देश में कि चाय बेचने वाली एक कंपनी भारत से कपड़ा खरीद कर दूसरे देशों में व्यापार करने वाली कंपनी इस देश की मालिक बन गई। मालिक बनने के बाद फिर उन्होंने लूटमार की, और लूटमार इतनी की कि दुनिया के किसी देश में, इतिहास में इतनी लूटमार नहीं हुई जो भारत में हुई। एक एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी इस देश में आता था, करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट के ले जाता था। स्वामी जी बार बार कहते हैं, इस वाक्य को आप हर लोगों के सामने कहिए, रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में 1757 के प्लासी के युद्ध के लिए आया, और युद्ध जीतने के बाद 900 पानी के जहाज भरकर सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक पन्ने जैसी बेशकीमती चीजें ले गया। 900 जहाज, नाव नहीं जहाज। नाव तो छोटी सी होती है, जहाज बहुत बड़ा होता है। एक जहाज में कितना टन? कितना? करीब 60 से 70 टन, इतना बड़ा जहाज होता था उस जमाने में। अब तो और भी बड़े होने लगे। अब तो 250 टन, 300 टन, 400 टन के जहाज हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में एक जहाज में 60 से 70 टन सामान आता था। तो ऐसे 900 पानी के जहाज भरकर, जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात माणिक पन्ने मोती आदि थे, एक जहाज में 60-70 टन और ऐसे 900 जहाज भर के एक अंग्रेज अधिकारी लूट के ले गया, जिसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने इस देश को लूटा, यहां से धन लेके गया। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, वो धन लेके गया। फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर कर्जन आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर डलहौजी आया, उसने लूटा, वो लेके गया। ऐसे 84 बड़े अंग्रेज अधिकारी जो गवर्नर जनरल की हैसियत के थे, गवर्नर जनरल का माने होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इस हैसियत के 84 अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे। उसके नीचे हजारों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे, लाखों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे। ये लूट इतनी जबरदस्त थी पूरे देश में कि सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया था। घर घर में से अंग्रेज लूटते थे पैसा। आपको एक जानकारी दूं कि अंग्रेजों की लूट का तरीका क्या था। वो एक चिट्ठी भेजते थे किसी के बिना। मान लीजिए आप रहते हैं हरिद्वार शहर में और थोड़े पैसे वाले आदमी हैं, आपके पास अच्छा पैसा है। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस होती थी, वो बताती थी कि किसके पास पैसा है। अंग्रेजों ने खुफिया पुलिस बनाई थी, उसका सबसे बड़ा काम ये था कि भारतवासियों में ये पता लगाना कि पैसा किसके पास है। तो कोई एक अधिकारी ने खुफिया पुलिस वालों को आदेश दे दिया, हरिद्वार के 8-10 व्यापारियों का पता चला, उनके नाम पते अंग्रेजी सरकार के पास पहुंच गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके घर में एक चिट्ठी आती थी, एक पत्र आता था, उसमें लिखा जाता था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो मार डालेंगे, तुम्हारे घर के बच्चे का अपहरण कर लेंगे, तुम्हारा अपहरण कर लेंगे, घर में आग लगा देंगे, तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार करेंगे। इस तरह की चिट्ठी आती थी, मौखिक नहीं लिखित चिट्ठी आती थी। जैसे आजकल के गुंडे मवाली लोग होते हैं ना, डॉन लोग,
वो आपको चिट्ठी भेज देते हैं, 2 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही किया करती थी, किसी बड़े के घर में चिट्ठी पहुंच गई और वो दे दी गई और उसके बाद फिर लूट मार शुरू होती थी। तो ज्यादातर लोग डर के मारे क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मांगे वो देते थे। तो पहले वो लोगों से लूटते थे, फिर राजाओं से लूटना शुरू किया। एक इलाके का राजा है, उसको चिट्ठी चली गई और उस चिट्ठी के आधार पर राजाओं से करोड़ों रुपए। तो ये लूट इतनी बड़े पैमाने पर चलती थी कि किसी भारतवासी को कल्पना नहीं थी कि कभी ये लूट बंद हो जाएगी। सारे भारतवासी लूटते थे, सब बर्बाद हो रहे थे, कल्पना किसी को नहीं थी कि ये लूट एक दिन बंद हो जाएगी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट के बाद एक दूसरा धंधा शुरू किया, भारतवासियों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया, जबरदस्ती हिंदुओं से ईसाई बनाना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकारी इस देश में काम करते थे, सभी अधिकारियों को ये लिखित आदेश था कि छुट्टी के दिन, रविवार को छुट्टी होती थी, छुट्टी के दिन वो बाइबल लेके एक एक मोहल्ले में जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को ईसाई बनाएंगे। तो ये दूसरा काम उन्होंने शुरू कर रखा था धर्म परिवर्तन का। तीसरा काम किसानों से जमीनें छीनने का कर रखा था। हिंदुस्तान के किसानों के पास अंग्रेजों के आने के पहले जमीनें थीं, हर एक किसान के पास कम से कम 10 एकड़, लगभग 20 करोड़ किसान थे इस देश में और हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन होती थी। तो ये जमीनें छीनने के लिए अंग्रेज अदालतें लगाया करते थे। डलहौजी नाम का अंग्रेज था जो एक एक गांव में जाके अदालत लगाता था और एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीन लेता था। और वो कानून बना रखा था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके आधार पर ये जमीनें छीनी जाती थी। तो किसानों से जमीनें छीनते थे, व्यापारियों से पैसा लूटते थे, साधारण लोगों की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, आम हिंदुस्तानियों को हिंदू से ईसाई बनाया करते थे, फिर हमारे उद्योगों को बर्बाद करने के लिए टैक्स लगाया करते थे। अंग्रेजों ने 350% तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया था, केंद्रीय उत्पाद कर, भारत के उद्योगों पर। और अंग्रेजों के जो उद्योग भारत में चलते थे वो टैक्स फ्री किए हुए थे पूरे के पूरे। तो अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री और भारत के माल पर 350% एक्साइज ड्यूटी, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स, फिर उसके बेचकर इनकम टैक्स, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने लोकल टैक्सेस लगाए थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स, फिर हाउस टैक्स, ऐसे दसियों तरह के कर उन्होंने लगा रखे थे। हर तरह से अंग्रेज इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे। ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह होगा इस देश में, कभी अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे और ये लूट और खसोट बंद हो जाएगी, इसका भरोसा भारतवासियों को नहीं था। लेकिन एक आदमी को था। करोड़ों भारतवासी निराशा में डूबे हुए थे और हर बार भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, इन अंग्रेजों को भारत से भगाओ, या इनको भारत से हटाओ, या इनके चंगुल से भारत को मुक्त करो। करोड़ों भारतवासी प्रार्थना तो करते थे लेकिन भरोसा किसी को नहीं था कि ये अंग्रेज चले जाएंगे एक दिन। एक भारतवासी था, जबरदस्त क्रांतिकारी, उसको भरोसा था कि आज नहीं तो कल ये अंग्रेज छोड़कर जाएंगे। उस भारतवासी का नाम था नाना साहब पेशवा। सुना है आपने नाना साहब पेशवा? ये क्रांतिवीर था जिसको एक को इतना जबरदस्त भरोसा था कि अंग्रेज तो अभी चले जाएंगे अगर हम भारतवासी संगठित हो जाएं तो। नाना साहब पेशवा के अगर आप भाषण सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, खून खौलेगा। नाना साहब पेशवा जब भाषण दिया करते थे कहीं खड़े होकर, तो इतिहास के दस्तावेजों में दर्द है कि लोगों की भुजाएं फड़कने लगती। 1850 के आसपास जब सारा देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अंधकार में डूबा हुआ था, किसी हिंदुस्तानी को ये कल्पना नहीं थी कि अंग्रेज छोड़कर जाएंगे, ये लूट हमारी बंद हो जाएगी, भारत के प्रति जो दुराचार हो रहा ये खत्म हो जाएगा, एक हिंदुस्तानी ऐसा था जो दिया जलाए बैठा था, उनका नाम था नाना साहब पेशवा। बहुत छोटे से गाँव में रहने वाले व्यक्ति थे नाना साहब पेशवा। गाँव का नाम मालूम है? बिठूर। यहां उत्तर प्रदेश के जो भाई बहन आए होंगे उनको मालूम है, कानपुर नाम का एक बड़ा नगर है और कानपुर से मुश्किल से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है बिठूर। 1850 के साल में
बिठूर की आबादी मात्र 20,000 के आसपास थी, 20,000 की आबादी का कस्बा था, गांव भी नहीं कह सकते, शहर भी नहीं कह सकते, गांव और शहर के बीच का एक कस्बा था। तो 20,000 की आबादी के कस्बे में एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा ये सपने देखा करता था कि आज भारत नहीं तो कल आजाद हो जाएगा, कल नहीं तो परसों आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, बस देर इतनी है कि पूरे भारत में हमारा संगठन खड़ा हो जाए। तो नाना साहब पेशवा एक व्यक्ति ने संगठन की शुरुआत की। और आप जानते हैं सबसे पहली बार जब उन्होंने लोगों को अपील की कि मेरे साथ संगठन में शामिल हो जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहता हूं, मुक्त कराना चाहता हूं, तो ज्यादातर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। उनके साथ एक दूसरा आदमी आया, दूसरा क्रांतिकारी जो जुड़ा, उनका नाम था तात्या टोपे। एक से दो हो गए। अब नाना साहब पेशवा के साथ जब तात्या टोपे आ गए तो नाना साहब पेशवा ने कहा एक से दो नहीं हुए, एक से एक 11 हो गए। फिर नाना साहब पेशवा गांव गांव निकल पड़े भाषण देने के लिए तात्या टोपे को साथ में लेकर, तो तीसरी एक क्रांतिकारी सदस्य उसमें और आ गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साथ में आई, तो उनकी एक सहेली थी झलकारी बाई, वो भी साथ में आई। और ऐसे करते करते एक क्रांतिकारी ने उम्मीद का दिया जलाया, आशा की किरण लोगों को दिखाई, अंग्रेजों को भगा देने का भरोसा लोगों को बताया, तो संगठन खड़ा होने लगा। और जानते हैं एक क्रांतिकारी का खड़ा किया हुआ संगठन 5 साल के अंदर लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गया। 1850 से नाना साहब पेशवा ने काम शुरू किया संगठन खड़ा करने का, 1857 तक उनके संगठन में 1,00,000 से ज्यादा लोग हो गए, और 1857 में अगले 2 साल में तो 7,32,000 उनके क्रांतिकारी सैनिक तैयार हो गए पूरे देश में। और जब नाना साहब पेशवा को लगा कि अब तो मेरे पास 7-8, 7.5 लाख क्रांतिकारी हो गए हैं, माने उनका कैलकुलेशन यही था, हर गांव में लगभग एक क्रांतिकारी, हर गांव में उनका एक कार्यकर्ता, वैसा ही कैलकुलेशन करके संगठन बनाया और उनको लगा हो गया है, तब उन्होंने हिंदुस्तान के उन राजाओं के साथ मिलना शुरू किया जो अंग्रेजों की लूट का शिकार हुए थे। राजाओं से वो उसके पहले नहीं मिले, पहले संगठन खड़ा किया, संगठन बड़ा हो गया तो राजाओं के पास जाना शुरू किया, और एक एक राजा जिसको अंग्रेजों ने कभी लूट के बर्बाद किया था उन राजाओं को संगठन में शामिल करना शुरू किया, तो राजाओं की सेना, राजाओं का खजाना भी उनको मिलना शुरू हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि उनको लगा कि अब पूरे देश में क्रांति हो सकती है, तो सारे राजाओं की एक बैठक बुलाई, क्रांतिकारियों को संदेश भेजा कि 31 मई 1857 को सारे हिंदुस्तान में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हम बगावत करेंगे, और जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं उन सब छावनियों पर हम कब्जा करेंगे, और अंग्रेजों के हथियार अपने कब्जे में लेकर अंग्रेजों को उन्हीं से मारेंगे और हिंदुस्तान से उनको खत्म कर देंगे। 31 मई 1857 का दिन तय हो गया, क्रांति का दिन तय हो गया, सारे कार्यकर्ताओं ने क्रांति की तैयारी शुरू करना। हमारे देश में 350 जगह पर अंग्रेजों की छावनियां थी, जैसे मेरठ अंग्रेजों की बहुत बड़ी छावनी था, ये अपने पड़ोस में रुड़की है ना, ये बहुत बड़ी छावनी था अंग्रेजों की, मेरठ था, रुड़की था, फिर दिल्ली था, फिर बरेली था, फिर शाहजहांपुर था, फिर रामपुर था, फिर उधर अलीगढ़ था, फिर एटा था, इटावा था, ऐसे 350 स्थानों पर अंग्रेजों की छावनियां थी। और नाना साहब पेशवा ने इतनी जबरदस्त योजना बनाई थी कि जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं वहीं पर सैनिक क्रांतिकारी, सैनिक उनको बोला करते थे जो क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा के संगठन में काम करते थे, तो भारत के क्रांतिकारी हर उन स्थानों पर संगठित होंगे जहां अंग्रेजों की छावनियां हैं, और 31 मई को एक साथ बगावत करेंगे। लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि तारीख तय हुई थी 31 मई 1857, ये मेरठ के लोगों ने कुछ जल्दबाजी कर दी और जो काम 31 मई को शुरू होना था
कुछ जल्दबाजी कर दी और जो काम 31 मई को शुरू होना था वो 10 मई को ही चालू कर दिया। मेरठ वाले थोड़े ज्यादा उबाल वाले लोग हैं, ये जो इलाका है ना मेरठ मुजफ्फरनगर, ये जाट जाति समूह का इलाका है और जाट जाति समूहों के बारे में अंग्रेज खुद मानते हैं बहुत पराक्रमी बहुत वीर। जाटों के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बहस होती थी तो अंग्रेज कहा करते थे एक जाट 10 अंग्रेजों के बराबर है। तो ये जाट समूह जाति जाट जाति का इलाका है मेरठ, तो ये लोग थोड़े उतावले हो गए, इनका खून ज्यादा उबल गया, इनके खून पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। 10 मई को ही सारा खेल इन्होंने शुरू कर दिया और 10 मई की शाम 5 बजे अंग्रेजों की पूरी छावनी को आग लगा दी इन्होंने मेरठ में और क्रांति की शुरुआत हो गई। गुस्सा किस बात पे आया, मेरठ के नागरिकों को अंग्रेजों की छावनियां जला देने का इतना गुस्सा कहां से पैदा हो गया? गुस्सा पैदा हुआ मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी 8 मई 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी बैरकपुर में और वो खबर 10 मई 1857 को मेरठ तक पहुंच गई और वो खबर पे गुस्सा आया। और अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी क्यों दी थी आप सभी जानते हैं, मंगल पांडे एक क्रांतिवीर नौजवान थे, आर्य समाजी व्यक्ति थे, आर्य समाज का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, गाय को माता मानकर काम करने वाले व्यक्ति थे। उनको ये पता चला कि अंग्रेजों की सरकार जो कारतूस देती है बंदूक में चलाने के लिए उसमें गाय की चर्बी लगी रहती है, बस मंगल पांडे को गुस्सा आ गया। और मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में सैनिक के रूप में काम करते थे तो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा, उसका नाम था मेजर ह्यूसन, उसने मंगल पांडे ने पूछा कि क्या गाय की चर्बी का कारतूस हमें दिया जाता है, तो ह्यूसन ने ना हां कहा ना ना कहा, बस इसी पे गुस्सा आ गया और ह्यूसन को गोली मार दी मंगल पांडे ने। ह्यूसन को गोली मारी तो बड़ा अधिकारी था तो अंग्रेजों के छोटे अधिकारियों ने मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया और मंगल पांडे के ऊपर फिर मुकदमा चला। जब तक मंगल पांडे पर मुकदमा चला 7-8 दिन, उनकी सेना की माने जिस छावनी में वो काम करते थे उसमें सैकड़ों सैनिक थे, किसी को भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है। आपको यह भी मालूम है मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने जब आदेश दिया था तो भारतीय सैनिकों ने कुछ ने तो मना कर दिया लेकिन कुछ ने मंगल पांडे को गिरफ्तार भी करवाया, माने जिन्होंने गिरफ्तार करवाया उनको भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है, कोई परिवर्तन होने जा रहा है। फिर मंगल पांडे को 8 मई को फांसी हो गई, फांसी के लिए कोई हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ तो एक अंग्रेज अधिकारी को जल्लाद बनाया गया, मंगल पांडे को कोई हिंदुस्तानी ने फांसी नहीं दी, एक भी हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ फांसी देने के लिए, सबने मना कर दिया। सबका एक ही बात था कहना कि अगर हम मंगल पांडे की जगह होते तो हम भी यही करते, उन्होंने मेजर ह्यूसन को गोली मारी हम भी मारते कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। मतलब मेरा कहने का है कि हर कदम पर परिवर्तन होता है तो ऐसा अचानक से कई बार हो जाता है भरोसा नहीं होता, तो वहां फांसी हो गई। जैसे ही फांसी हुई तो देखो चमत्कार क्या हुआ, फांसी होने के 3 घंटे में सवेरे 6 बजे फांसी हुई है मंगल पांडे को 8 मई को और लगभग 9 से 10 बजे उनकी प्लाटून में 1100 हिंदुस्तानी सैनिकों ने बगावत कर दी, माने एक मंगल पांडे के फांसी पे चढ़ते ही 1100 मंगल पांडे पैदा हो गए उसी प्लाटून में और 1100 भारतवासी सैनिकों ने उसी क्षण नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर अंग्रेजों ने उनसे कहा कि भाग जाओ यहां से, तो उन्होंने कहा हम भागेंगे नहीं, अब आपको भगाएंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसे ही बोल दिया भाग जाओ यहां से, अब तुमने नौकरी तो छोड़ ही दी है, तो उन सैनिकों का जवाब था भागेंगे नहीं आपको भगाएंगे। तो वो 1100 सैनिक जुलूस बनाते बनाते पहुंचे गंगा नदी के किनारे, गंगा वहां से एक 24 मील की दूरी पर है जहां ये हुआ सारा वाकया। पैदल चलते हुए गंगा के किनारे गए, हाथ में गंगा जल उठाया और कसम खाई कि अब हम इन अंग्रेजों को रहने नहीं देंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को मारा। फिर क्या हुआ, 5-5 की टुकड़ियां बनी
और टुकड़ियों में तय किया गया कि आप एक दिशा में, आप एक दिशा में, आप एक दिशा में, 1100 1200 सैनिकों ने पांच पांच की टुकड़ियां बनाई और फैल गए पूरे भारत में, और गांव गांव, गली गली, नगर नगर एक सिद्धांत उन्होंने अपनाया, वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक, एक एक गांव में जाना, एक एक गली में जाना, लोगों को कहानी सुनाना, लोगों को बताना। इन 1100 क्रांतिकारियों ने जो काम किया है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला काम है। आपको मालूम है उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, उस जमाने में वायरलेस नहीं था, उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, उस जमाने में रेडियो नहीं था, उस जमाने में तो ये माइक्रोफोन नहीं था। मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके आप 3000 भाई बहनों से बात कर रहा हूं, उस जमाने में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ता था और उसी से बात करनी पड़ती थी। मोटर कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, रेल नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे, या तो बैलगाड़ी पर चलो, या घोड़े गाड़ी पर चलो, या ऊंट गाड़ी पर चलो, या पैदल चलो, साधन कोई नहीं थे। तब ये 1100 क्रांतिकारी बैरकपुर से निकले और गांव गांव फैल गए। इन्होंने जो मशाल जलाई उनमें से क्रांतिकारियों की बातें सुन सुनकर लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। मेरठ में ये जानकारी जब पहुंची, दो दिन के अंदर ये जानकारी मेरठ तक पहुंच गई, तो मेरठ वालों में जरा जल्दी उबाल आ गया। वैसे तो 31 मई तय हुई थी, लेकिन 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत कर दी, और एक दिन और आधा दिन माने डेढ़ दिन में पूरा मेरठ आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों अंग्रेजों का मेरठ के नागरिकों ने कत्लेआम कर दिया, एक दो नहीं हजारों का। अंग्रेज अधिकारी जो पुरुष होते थे उनको जिस आदमी को मिला उसी ने मारा। मेरठ के किसी एक नागरिक के हाथ में छोटा सा छुरा है, उसी को भोंक के अंग्रेज को मार दिया। महिलाओं के हाथ में वो होती थी हसिया, कहते हैं जिससे आप फसल काट दें, हसियों से गले काटे अंग्रेज अधिकारी। लोग निकल पड़े सड़कों पर हसिया लेकर, फावड़ा लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, छुआ, अपने अपने जो भी हथियार थे, एक बेलचा होता सड़क खोदने का, ले लेके निकले, जो अंग्रेज मिला उसी को खत्म किया। लेकिन एक बात उन सब क्रांतिकारियों की तारीफ में कहनी पड़ेगी कि एक भी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को, बेटी को, मां को, बहन को उन्होंने छुआ भी नहीं, एक भी अंग्रेज अधिकारी की मां, बहन, बेटी को हाथ नहीं लगाया। जो अंग्रेज अधिकारियों की मां बहन बेटियां होती थी उनको बाइज्जत घोड़ा गाड़ी में बिठाकर दिल्ली रवाना किया, और दिल्ली से फिर उनको दूसरे दूसरे स्थानों पर रवाना करके लंदन भेज दिया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए तो उनकी पत्नियां रोते हुए कहती थी कि हमारे पास तो वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, लंदन कैसे जाएंगे, किराए का पैसा नहीं है। तो मेरठ के नागरिकों ने चंदा इकट्ठा करके उन धर्म पत्नियों को लंदन पहुंचाने की व्यवस्था की। माने क्रांति भी की तो पूरे आदर्श के साथ। हमारा आदर्श क्या है? माताओं को, बहनों को छेड़ना नहीं, छूना नहीं, वो मेरी हो या किसी दूसरे की हो। हमारे भारत ने युद्ध के भी नियम बनाए हैं। दुनिया में ये अद्भुत देश है जो युद्ध लड़ने के भी नियम बनाता है। आपको मालूम है दुनिया में एक कहावत चलती है, बहुत खराब कहावत है लेकिन चलती है, अंग्रेजों की दी गई कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। कहते हैं कि ना, प्रेम में और युद्ध में हर चीज जायज है। लेकिन हिंदुस्तानी इसको नहीं मानते। हिंदुस्तानी कहते हैं युद्ध भी सिद्धांतों के साथ होता है, प्रेम भी सिद्धांतों के साथ होता है, यहां युद्ध भी सिद्धांतों के साथ होता है। तो अंग्रेजों से हमारी दुश्मनी थी, वैर था, उन अंग्रेजों से जिन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन अंग्रेजों से हमारा युद्ध था जिन्होंने भारत की लाखों माताओं, बहन, बेटियों से बलात्कार किए। आपको कल्पना नहीं है, कुछ दस्तावेज इतने खतरनाक हैं जो खून के आंसू रुलाते हैं। एक दस्तावेज है हमारे पास जो ये बताता है कि अंग्रेज कोई अधिकारी किसी भारत की मां, बहन, बेटी से बलात्कार करता था तो पहले उसको बेइज्जत करता था, मां, बहन और बेटी को नंगा किया जाता था, फिर बहन और बेटी का जो स्तन होता है उसको लोहे के चिमटे से तब तक दबाया जाता था जब तक उसमें से खून ना निकले, फिर उस मां, बहन, बेटी से बलात्कार अंग्रेज किया करते थे। ऐसे हैवानियत वाले अंग्रेज थे। लेकिन उन अंग्रेजों के खिलाफ भी
भारत के क्रांतिकारियों ने एक सिद्धांत अपनाया कि उनकी माताओं बहन बेटियों को छुआ भी नहीं। पूरे युद्ध में अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम हुआ, किसी अंग्रेजी बहन बेटी और मां का कत्लेआम नहीं हुआ, किसी को छुआ भी नहीं। मेरठ आजाद हो गया 1.5 दिन में। फिर उसके बाद मेरठ से क्रांतिकारी चले घोड़े पर और पैदल और दिल्ली पहुंच गए। 70 किलोमीटर की दूरी है, 24 घंटे में दूरी तय हो गई। दिल्ली पहुंच गए, 11 मई को दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया और 15 मई तक पूरी दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। फिर दिल्ली से निकले क्रांतिकारियों की एक टीम और बरेली गई, एक शाहजहांपुर निकली, एक अलीगढ़ की तरफ निकली, अलीगढ़ एटा इटावा होते हुए कानपुर में ये सब, फिर एक बरेली शाहजहांपुर होते हुए, ऐसी टुकड़ियां बटती गईं। और मात्र 3 महीने में, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, लगभग अगस्त का आधा महीना और बहुत अधिक तो 4 महीने मान लो, 1 सितंबर 1857 तक हिंदुस्तान की 350 छावनियां जो अंग्रेजों की गुलाम थी वो पूरी तरह से आजाद हो गई। इस पूरी कहानी में जो सबसे महत्व की बात रेखांकित करने की है वो एक कि भारत में 1850 तक किसी हिंदुस्तानी को कल्पना नहीं थी कि ये देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज मारे जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बगावत कभी हो सकती है, इतना बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है। आपको कल्पना है 350 छावनियों में जब लड़ाई हुई होगी तो कितने हिंदुस्तानियों ने भाग लिया। मैं ये एक आंकड़े के लिए 18 साल काम करता रहा कि कुल कितने हिंदुस्तानियों ने 1857 की लड़ाई में भाग लिया। एक इतिहासकार कहते हैं लाखों में, कोई इतिहासकार कहते हैं करोड़ों में, कोई इतिहासकार कुछ, कोई इतिहासकार एग्जैक्ट संख्या मुझे लगती थी कि पता होनी चाहिए। 18 साल लगे हुए, मेरे गुरु थे प्रोफेसर धर्मपाल, इतिहास के बहुत बड़े जानकार, उनकी मदद से और उनके कुछ साथियों की मदद से पता चला 4,20,00,000 से ज्यादा भारतवासियों ने अंग्रेजों के सामने आमने सामने का युद्ध किया 1857। 350 स्थानों पर युद्ध हुआ, हजारों लाखें तलवारें इस्तेमाल हुई, बंदूकें इस्तेमाल हुई, गोला बारूद इस्तेमाल हुआ। तो आप जरा दूसरे तरफ से कल्पना करिए कि कितना बड़ा ये संग्राम रहा होगा। 350 स्थानों पर 4,20,00,000 हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, बंदूकें और तलवारें, एक एक तलवार अगर एक एक हिंदुस्तानी के हाथ में रही हो तो 4,20,00,000 तलवारें रही होंगी। इतनी तलवारें बनाई किसने और इतना लोहा और स्टील आया कहां से? फिर ये खोजने के लिए जब निकला मैं तो पता चला अपने देश में एक बंजारा जाति समूह है। आप समझते हैं बंजारा? बंजारा ये सड़क के किनारे जो अपनी गाड़ी लगा के रहना शुरू कर देते हैं, घर नहीं बनाते कभी। लोहार, लोहार वो कारीगरी में लोहार हैं और जाति में बंजारा कहलाते हैं। ये अपना घर नहीं बनाते, क्यों? वो कहते हैं कि हमारे राजा ने कभी अपना घर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएं? और वो अपना राजा किसको मानते हैं? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं अपने को। वो कोई छोटे लोग नहीं है, छोटी जाति नहीं है, बहुत ऊंची जाति है। हमारे देश में कोई जाति छोटी जाति नहीं है, सब ऊंची जातियां हैं। तो वो कहते हैं हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमारे राजा ने घर नहीं बनाया, घास की रोटियां खाई, गांव गांव गली गली उसने छावनियां तैयार की, हम कैसे घर बना सकते हैं? तो ये बंजारा जाति के लोग जो हर बड़े शहर में गांव के बाहर आप देखेंगे, अक्सर किसी भी शहर में जब आप घुसेंगे तो शहर के बाहर इनके आपको वो एक केंद्र स्थान नजर आएंगे। एक दो गाड़ी खड़ी होगी, वहां पर बच्चे खेलते होंगे, वहीं पर उनकी एक भट्टी होगी जिसमें लोहा गलाते हैं। ये बंजारा समाज को बहुत बड़ी महारत हासिल है लोहा गलाने की। लोहा गलाना समझते हैं? कच्चा लोहा, उसको स्टील बनाना, फौलाद बनाना, तो ये आग की मदद से होता है। तो लोहा गलाकर स्टील बना के तलवार देने का काम ये बंजारा जाति के लोगों ने किया था भारत के 4,20,00,000 क्रांतिकारियों को। बंदूकें बनी, तो बंदूकों की आगे की नाल तो लोहे की है, पीछे का लकड़ी का है। तो लोहारों ने काम किया नाल बनाने का और लकड़ी का काम करने वालों ने बट बनाई उसकी। तो लाखों वो लोग कारीगर थे। कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गला होगा, मैं यही सोचकर रोमांचित हो जाता हूं 1857 में।
आज तो हम लाखों मीट्रिक टन लोहा बनाते हैं इस देश में, 1857 में लाखों मीट्रिक टन लोहा गलाया गया होगा तब भाले बने होंगे, तब तलवारें बनी होंगी, तब बर्छी बनी होंगी, तब कृपाण बनी होंगी, तब छुरे बने होंगे, हैसिये बने होंगे और फिर अंत में बंदूकों की नाल बनी होगी। माने क्या है, पूरा समाज इस क्रांति में शामिल था। और दस्तावेज बताते हैं कि गोला बारूद बनाने का काम स्त्रियां करती थी। कानपुर में बहुत बड़ा केंद्र था और आपको सुनकर यह बात गर्व होना चाहिए कि कानपुर में गोला बारूद बनाने का जो सबसे बड़ा केंद्र था, जहां से गोला बारूद बनाकर नाना साहब पेशवा को, तात्या टोपे को दिया जाता था, जहां से गोला बारूद बनाकर झांसी रानी लक्ष्मीबाई को सप्लाई किया जाता था, वो केंद्र को चलाने वाली एक महिला थी, एक मां थी, एक बेटी थी। और वो महिला ऐसी थी जो अपने शरीर से वैश्यावृत्ति का काम करती थी, लेकिन उस कार्य से जितने पैसे उसको मिलते थे वो सब क्रांतिकारियों के गोला बारूद बनाने के लिए उपयोग किया करती। माने आप कल्पना करो, इस देश की क्रांति के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए वैश्याओं ने अपना शरीर बेचकर पैसा कमाया है और इस देश की क्रांति में लगाया है। कितना पवित्र रहा होगा वो पैसा। वो केंद्र चलाती थी और ऐसे सैकड़ों केंद्र कानपुर में थे, उनकी वो हेड थी। एक केंद्र से दूसरे केंद्र को कच्चा माल पहुंचाना और दूसरे केंद्र से तीसरे को कच्चा माल पहुंचाना। आपको एक जानकारी दूं, गोला बारूद उसी केमिकल से बनता है। वेश्या तो पहले से रही होगी, लेकिन उसने देखा कि देश की आजादी का संग्राम हो रहा है, तो यदि मैं जिस काम को कर रही हूं, मेरा सम्मान तो चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन देश का स्वाभिमान यदि बचता है तो मैं उसी काम को करते हुए, मेरा तो सम्मान खत्म हो गया लेकिन देश का स्वाभिमान न मिटे, इसके लिए अपनी आहुति दी, तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण। ऐसे बहुत सैकड़ों केंद्र थे जो बैरकपुर में, कलकत्ता में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, बरेली में, शाहजहांपुर में, जितने उत्तर भारत के बड़े नाम आप जानते हैं, मध्य भारत के, सब जगह चलते थे। गोला बारूद बनाने का काम महिलाओं के जिम्मे, सैनिकों तक पहुंचाने का काम बच्चों के जिम्मे, और पुरुषों का काम अंग्रेजों से लड़ने का। माने समाज का एक एक वर्ग शामिल था, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। और ये क्रांति इतनी जबरदस्त हुई कि मात्र 4 महीने में पूरे हिंदुस्तान से 150 साल पुराना अंग्रेजों का शासन उखाड़ फेंक दिया इस क्रांति ने। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जब 1850 में पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, किसी को ये आजादी की कल्पना नहीं थी, भारत कभी अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आएगा ये कोई सोच नहीं पाता था, तब एक क्रांतिवीर व्यक्ति नाना साहब पेशवा ने संगठन का सपना देखा और संगठन की ताकत पर उसको पूरा कर दिया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि फिर हम अंग्रेजों के 1947 तक गुलाम कैसे रहे? 1 सितंबर 1857 तक हम आजाद हो गए, फिर भारत के कुछ गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके क्रांतिकारियों को मरवाया और उसके बाद फिर हम दोबारा गुलाम हो गए। एक बार तो हम आजाद हो गए, दोबारा फिर गुलाम हो गए। और उन जो है कितने क्रांतिकारी मारे गए होंगे पहले? करीब 7,32,000 क्रांतिकारियों का कत्लेआम हुआ। अंग्रेज दोबारा से वापस आ गए, भारत के राजाओं की मदद से सेना मिल गई, उनको पैसे मिल गए, हथियार मिल गया, गोला बारूद मिल गया, उसकी मदद से अंग्रेजों ने हमला किया और पहला हमला अंग्रेजों ने बिठूर पर ही किया। जब अंग्रेज वापस आए तब बिठूर 24,000 की आबादी का कस्बा था, अंग्रेजों ने पूरे कस्बे को खत्म कर दिया। 3 महीने के बच्चे को बॉल और फुटबॉल की तरह से उछाल कर गोलियां मारी और 90 साल के बुजुर्गों को नीम के पेड़ से फांसी पे लटका के गोलियां मारी। 24,000 लोगों का बिठूर में कत्लेआम हुआ, एक ही स्थान। पूरा शहर जो है नरहीन, नारीहीन हो गया, एक भी नर और नारी नहीं बचा पूरे शहर में। ऐसा अंग्रेजों ने किया 1 सितंबर 1857 के बाद। फिर उन्होंने यही कत्लेआम लखनऊ में किया, फिर इलाहाबाद में किया, फिर वाराणसी में किया और धीरे धीरे सारे देश में जहां जहां क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को
खत्म किया था या अंग्रेजों की सरकार खत्म की थी, वहीं पे फिर वापस कब्जा कर लिया और फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और फिर गर्त में अंधकार में डूब गए और फिर ऐसे अंधकार में डूबे कि 90 साल लगे हमको दोबारा खड़े होने में। और 1942 में फिर वैसा ही मंजर पैदा हुआ जैसा 1857 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब महात्मा गांधी इस देश को नेतृत्व दे रहे थे। 1942 की कहानी मुझे बहुत सारे बुजुर्ग लोग सुनाते हैं जो अभी भी जीवित हैं, वो कहते हैं 1942 में हमें भी अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे, कोई नहीं मानता था। उनको लगता था कि 1857 में एक बार भागे दोबारा आ गए तो अब 1942 में क्या जाएंगे, लेकिन 1942 में कई क्रांतिकारियों को ये लगता था कि अंग्रेज जाएंगे, भारत आजाद होगा और इस देश में आजादी की सुबह आएगी। उन क्रांतिकारियों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्हीं में से महात्मा गांधी एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे, अच्युत पटवर्धन एक थे, अरुणा आसफ अली एक थी, फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया एक थे, जयप्रकाश नारायण एक थे। ये सब क्रांतिवीर थे 1942 के आंदोलन में और ये हर दिन एक ही बात कहते थे, अंग्रेज जाएंगे, भारत आजाद होगा। लेकिन करोड़ों भारतवासी मानते थे अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे, देश कभी आजाद नहीं होगा। और बाद में आप जानते हैं 1947 में अंग्रेज गए और भारत आजाद हुआ। ये दो कहानियां ये समझाने के लिए है कि परिवर्तन होता है। एक आदमी भी अगर खड़ा हो जाए पूरे देश में कोई विचार की शक्ति लेकर तो परिवर्तन होता है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। भारत आजाद हो गया, आजादी के बाद इस देश में वो सब नहीं हुआ जिसकी कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी। आजादी के बाद फिर भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लूटमारी शुरू हो गई, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून वैसे के वैसे ही इस देश पर लद गए, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब अंग्रेजों की लद गई। तो फिर भारतवासियों को निराशा हुई और उस निराशा में फिर एक क्रांतिवीर भारतवासी निकला जिसने फिर हिंदुस्तान को संगठित किया और उनका नाम था श्री जयप्रकाश नारायण। आप में से कई लोगों ने शायद जेपी को देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं, सिर्फ उनको पढ़ा है। आपने तो देखा होगा जेपी 1975 के साल में अकेले क्रांतिवीर भारतवासी थे जिनको ये दिमाग में बात आई थी कि इस देश को फिर संगठित करना है और इस देश से भ्रष्टाचार को, उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कारण क्या था, 1975 तक इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार चलती थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ये कहा करती थी भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। आपको मालूम है श्रीमती गांधी का ये पब्लिक स्टेटमेंट है, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। एक बार तो यहां तक कह दिया था कि भ्रष्टाचार वो तेल है जिसकी चिकनाई से लोकतंत्र का पहिया दौड़ता है। माने भ्रष्टाचार रूपी तेल नहीं होगा तो लोकतंत्र का पहिया जाम हो जाएगा। तो श्रीमती गांधी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया और मैं इस बात को एक वाक्य में कहता हूं कि भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप उसी जमाने में मिला, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ करप्शन का। तो जेपी को बहुत गुस्सा था और जेपी अकेले क्रांतिवीर थे उस दौर में जिनको दिखता था कि यह भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो जेपी को लोग कहा करते थे जेपी आपका दिमाग खराब हुआ है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जिसकी सत्ता कोई हिला नहीं सकता, जिसकी कुर्सी को कोई डिगा नहीं सकता और कल्पना में किसी हिंदुस्तानी के नहीं है कि ये कभी महिला कुर्सी से नीचे उतर भी सकती है, आप बोलते हो इसकी सरकार गिर जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो जेपी कहते थे मैं देख रहा हूं आपको नहीं दिखाई देता है, मेरी आंखें आपसे 20 साल आगे का देखती हैं। और जयप्रकाश जी ने संगठन बनाना शुरू किया, वो अकेले आदमी निकले संगठन खड़ा करने के लिए। संगठन किस काम के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करना है, आर्थिक असमानता खत्म करनी है, जो डिस्पैरिटी है ना, एक आदमी को हिंदुस्तान में 20 रुपए भी नहीं है एक दिन में कमाने के लिए और एक एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपए, एक एक मिनट में एक 20,000 रुपए कमा रहा है, तो ये आर्थिक असमानता जेपी को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा ये आर्थिक असमानता खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, ऐसे 7 मुद्दे लेकर जेपी निकले जिसको उन्होंने कहा था सप्त क्रांति। गांव गांव निकले,
एक जमाने में जेपी जब ये बातें लोगों को कहा करते थे तो 4-6-10 लोग सुनने वाले हुआ करते थे, तो जेपी के नजदीकी लोग उनको कहा करते थे जेपी 4-6-10 लोग आपको सुनने के लिए आते हैं और आप कहते हैं इस देश में क्रांति हो जाएगी, कौन करेगा? तो जेपी कहते थे धीरज रखो, धैर्य रखो, मैं जो कह रहा हूं तुम वो करते चलो, फिर तुम देखना। एक दिन ऐसा आया कि जिस शहर में जेपी को सुनने के लिए 8-10 लोग जमा होते थे, उसी शहर में 2 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि जेपी को सुनने के लिए 3.5 लाख लोग जमा हुए। पटना में जेपी का भाषण हुआ, 3.5 लाख लोग पटना के गांधी मैदान पर, गांधी मैदान की ताकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 3.5 लाख लोगों को समा सके, पेड़ों पे लोग खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं, जहां जिसको जगह मिली और वहां खड़े हैं। और जेपी का भाषण लोगों ने रैप्ट अटेंशन से सुना था, रैप्ट अटेंशन माने सुई गिरा दो तो सुई की आवाज हो जाए, इतनी शांति से 3.5 घंटे उन्होंने बोला था और दिल खोल के बोला था, करप्शन के खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ। और वो जो रैली हुई है जेपी की, उसने इतिहास बना दिया। फिर एक एक शहर में रैलियां होना शुरू हुई, बनारस में हुई, फिर इलाहाबाद में हुई, दिल्ली तक आते आते तो जेपी की ये स्थिति हो गई कि दिल्ली में 10 लाख लोग जमा हैं जेपी को सुनने के लिए, जिस दिल्ली में 10 आदमी जेपी को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। और फिर धीरे धीरे संगठन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 2.5 साल में, मात्र 2.5 साल में उस संगठन की ताकत इतनी बड़ी हो गई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, जेपी को गिरफ्तार करना पड़ा। और इतना अत्याचार हुआ पूरे देश के लोगों पर, जिसने कभी जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया उनको जेलों में ठूंस दिया गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि ये बिजली का तार काट रहे थे इसलिए इनको जेल के अंदर डालो, ऐसे ऐसे आरोप लगाकर हजारों लोगों को इंदिरा गांधी ने बंद करा दिया इमरजेंसी में। फिर पूरा देश खड़ा हो गया। हमारे देश के बारे में मैं ये एक बात कहता हूं कि ये भारत सोए हुए हाथी की तरह से है, जब तक सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, कभी इसको किसी ने सुई चुबो दी या पिंग चुबो दी तो ऐसा चिंघाड़ कर खड़ा होता है जैसे मदमस्त हाथी। जेपी ने सुई चुबोई, पिंग चुबोई, पूरा देश खड़ा हो गया। आपको कल्पना नहीं होगी, लाखों विद्यार्थियों ने अपने कैरियर छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिया, आईएएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईपीएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईआरएस अधिकारियों ने नौकरियों को लात मार दी और जयप्रकाश जी के साथ शामिल हो गए। और उस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता था, जेपी ने उनको कुर्सी से उतार दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हुई थी। जो लाखों वोट के अंतर से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतती थी वहां श्रीमती गांधी की जमानत जब्त हुई थी और एक ऐसे आदमी ने हराया था उनको जिनका नाम कोई नहीं जानता इस देश में, राजनारायण। राजनारायण की विशेषता यह थी कि पूरे चुनाव में एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और इंदिरा गांधी की जमानत खत्म कर दी। तो वो राजनारायण का प्रताप नहीं था, जयप्रकाश नारायण का प्रताप था और इमरजेंसी की चुभन थी लोगों के दिल में और देश में परिवर्तन हुआ, श्रीमती गांधी की सरकार गिरी। दुर्भाग्य उस समय देश का क्या हुआ कि जब ये सरकार गिर गई और नई सरकार आ गई तो उस नई सरकार में वही सब पुराने लोग आ गए जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू हुआ था। यही बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे राजनीतिज्ञ तो बहुत चालाक और होशियार है ना, जब उन्होंने देखा कि जेपी की हवा चल रही है और सब कुछ इन्हीं की तरफ आने वाला है तो इंदिरा गांधी के जहाज से कूद कूद कर जेपी के जहाज में आके बैठ गए, सब ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया और आगे आगे आके बैठ गए। ये तो थोड़े ज्यादा दम वाले लोग होते हैं ना, तो नए लोगों को पीछे कर दिया, खुद आगे स्थापित हो गए। और तब तक जेपी बीमार हो गए, उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको जहर दिया था चंडीगढ़ जेल में, जब उनको गिरफ्तार करके रखा गया तो जहर दिया गया था उनके खाने में, तो दोनों किडनियां खराब हो गई तो उनको डायलिसिस पर रहना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और वो जो प्रयोग हुआ था वो एक तरह से असफल हो गया, लेकिन परिवर्तन हुआ। जेपी ने जो सपना देखा था कि मैं इनकी
चूल तो हिला ही दूंगा जो करप्शन के आधार पर खड़ी हुई है, वो कर ही दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत के इतिहास में अगर आप इसको ध्यान देंगे तो किसी एक व्यक्ति ने विचार दिया है, संगठन खड़ा किया है, लाखों करोड़ों लोग फिर उसके साथ जुड़े हैं और परिवर्तन हुआ है। तो स्वामी जी जो आज ये कह रहे हैं ना, उनको दिखता है, हम लोगों को तो कम दिखता है, लेकिन स्वामी जी को ज्यादा दिखता है। अगले 20 साल का उनको दिख रहा है, 25 साल का दिख रहा है, 50 साल का दिख रहा है। स्वामी जी अक्सर मुझे ये कहते हैं जब मैं उनके साथ अकेले में होता हूं कि कुछ बड़ा तो होने वाला है और कोई जलजला तो आने वाला है। ये आज आपको नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी है, हम उतना दूर तक नहीं देख पाते हैं। जो विजनरी होता है ना, दृष्टिकर्ता जिसको कहते हैं, वो दूर की देखता है। हम तो सैनिक है, सेनापति है, वो दूर की देखता है। तो स्वामी जी को दिख रहा है कि कोई बड़ा जलजला तो आने ही वाला है, और ज्यादा दिन नहीं, 2-4 साल में ही आने वाला है। जैसे कभी नाना साहब पेशवा को दिखा कि आजादी तो आने ही वाली है, अंग्रेज तो जाने ही वाले हैं, जैसे कभी आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण को दिखा कि सत्ता तो जाने ही वाली है, भ्रष्टाचार तो हटने ही वाला है, जैसा कभी महात्मा गांधी को 42 में दिखा कि अंग्रेज तो जाने ही वाले हैं, आजादी तो आने ही वाली है, वैसे ही आज परम पूजनीय स्वामी जी को दिख रहा है कि ये व्यवस्था तो बदलने वाली ही है, नई आजादी तो आने वाली ही है, नई व्यवस्था तो आने वाली है। मैं भारत के बाहर की एक दो कहानियां और सुना के मेरा व्याख्यान खत्म करूंगा। ये तो भारत की बात हुई, भारत के बाहर की एक कहानी सुनाता हूं अमेरिका की। आपको मालूम है ये अमेरिका कैसे बना है? ये अमेरिका बना, आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा, कोलंबस, सुना है? बस वो ही खतरनाक नाम है जिसने इस अमेरिका को बसा दिया। भारत वाली क्रांति के बारे में एक बात और बता देता हूं, लेकिन जो भूल मेरठ ने की वो तुमको नहीं करनी है। उतावला नहीं होना है, उतावला नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पागलपन नहीं दिखाना है। और आजादी आने के बाद भी ऐसे लोगों को अपने भीतर शामिल नहीं करना है जो जयप्रकाश जी के यहां शामिल हो गए थे। व्यवस्था परिवर्तन कर भी दिया, आजादी के बाद की घटना है। तो ये एक अभियान है, पूरी पवित्रता के साथ इसको चलाना। इतिहास इसलिए दोहराया जाता है, इसलिए सुनाया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि उसमें जो गर्व करने वाली बातें हैं उससे अपना स्वाभिमान जगा सकें, और जो सावधानी वाली बातें हैं उनसे सीख भी ले सकें। तो 1857 की क्रांति हमारा स्वाभिमान जगाती है, जयप्रकाश नारायण की क्रांति हमें एक हौसला देती है, लेकिन इसके साथ एक पाठ भी पढ़ाती है। इसलिए इस बार जो क्रांति आए, इस बार जो यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इस बार जो यह परिवर्तन होगा वो इतनी सावधानी से होगा कि हम अपनी अतीत की भूलों को उसमें दोहराने नहीं देंगे। माने हमारा जो मकसद है कि हम चाहे वो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार की बात हो, चाहे वो पूरे देश की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पूरे देश की असमानता, बेबसी, लाचारी, गुलामी को मिटाने की बात हो, इसमें हमें उतावलापन नहीं करना। इसलिए हमारे कुछ लोग जो है एकदम से करते, बाबा जी कब हो जाएगा परिवर्तन? अरे थोड़ा धैर्य तो रख ले, थोड़ा ही धैर्य रखो, स्वयं से शुरू करो यात्रा को, अंतःकरण शुद्ध करो अपना। बिना अंतःकरण शुद्ध किए यदि सत्ता भी मिल गई तो हम भी बेईमान हो जाएंगे। साम्राज्य मिल गए, परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आदमी का ईमान जब तक नहीं बदलेगा, उसका मन बदलत नहीं, चेतना चित्त जब तक नहीं बदलेगा, इसलिए हमारी परिवर्तन की पाठशालाएं वो योग की भूमि पर शुरू होंगी, और योग की भूमि पर खड़ा हुआ परिवर्तन कभी प्रलोभनों में झुक नहीं सकता, वो देश के साथ और अपने साथ धोखा नहीं कर सकता, वो बेईमान नहीं हो सकता। तो यह एक बहुत बड़ी सावधानी है इसमें, इसलिए परिवर्तन होगा। 1857 की क्रांति में 5-7 वर्ष लगे थे, जेपी की क्रांति में 2.5 वर्ष लगे थे, इस क्रांति में 1 वर्ष में यह अभियान इतनी बुलंदी तक पहुंच जाएगा। कल भाई राजीव के पास में एक भाई फोन करके बोलता है,
अभी तो भारत स्वाभिमान का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़ा हो गया है। भारत स्वाभिमान का नाम एक वर्ष के भीतर भीतर, अभी तो एक वर्ष 5 जनवरी को होगा, अभी भारत स्वाभिमान की स्थापना 5 जनवरी 2009 को हुई है। अभी यह पूरा अभियान आज की स्थिति में बोले तो अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए। 5 महीने में इस भारत स्वाभिमान के अभियान को देश के करीब करीब 50 करोड़ लोग ये जानने लगे हैं कि कोई अभियान शुरू हो गया है देश के अंदर। भारत स्वाभिमान का नाम लोगों की जुबान पर आ गया, उसकी पूरी फिलोसफी उनको नहीं भी पता हो, लेकिन ये जरूर पता है वो बाबा रामदेव ने योग कराने के साथ साथ एक कोई दूसरा काम शुरू कर दिया है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक 5 महीने में कोई बात पहुंच जाए, हम आने वाले 1 वर्ष के भीतर यह आवाज इस देश के 100 करोड़ लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे। यह अभियान आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें सावधानी रखनी है। 1 वर्ष में अभियान शुरू हो खड़ा होगा और उसके बाद में आंदोलन की दिशाएं तय होंगी, किस तरह से हमें परिवर्तन को बड़े रूप में शुरू करना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धीरज से काम। और मैंने कहा हमारे इस कार्य की पाठशाला क्या है, इसके ट्रेनिंग सेंटर कहां है, ये तैयार कहां से होगा, योग की कक्षाओं से तैयार होगा। इसलिए स्वयं योग करना है, औरों को योग कराना है, खुद को और समाज को खड़ा करना है, फिर सत्ताएं साम्राज्य व्यवस्थाएं कानून सब कुछ बदलेगा, लेकिन शुरुआत हमसे खुद से होगी। और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रलोभन नहीं और कोई चाह नहीं। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, जिन्होंने परिवर्तन किया है, कभी भी उन्होंने आजादी का सुख स्वयं नहीं भोगा है। तो ये स्वार्थ और लालच के विस्फोट यदि कोई संगठन में आता भी है तो टिक ना पाएगा, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं यहां से। ये अपने सम्मान के लिए लालाई नहीं है, ये देश के लिए है, और अपने साम्राज्य के लिए, अपने सत्ताओं के सिंहासनों पर बैठने के लिए लड़ाई नहीं है। इसलिए हमने पहले ही दिन से घोषणा नहीं की है, यह हमारा संकल्प है, ना हमको सत्ताएं चाहिए, ना हमको साम्राज्य चाहिए, हमको देश का स्वाभिमान चाहिए और उसको किसी भी कीमत पर हम लेकर के रहेंगे। तो ये थोड़ी सी बात मैंने सावधानी की भी बीच में कही कि यह क्रांति सावधानी पूर्वक, होशियारी पूर्वक, विवेकशीलता पूर्वक चल करके हमको पानी है। तो पहली बात, अविश्वास नहीं रखना है। जब भी कोई यात्रा शुरू होती है तो बहुत छोटे से शुरू होती है। हमारे भारत स्वाभिमान की यात्रा को तो पतंजलि योगपीठ के दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के करीब पिछले हमें 15 से 20 वर्षों का हमें एक सामाजिक आधार मिला है। उन क्रांतियों को आधार बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए भी बहुत समय लगा था। यहां तो सारा बना बनाया भवन तैयार खड़ा है, बस अब तो अभिषेक होना बाकी है। इसलिए निराशा की तो बात ही नहीं है, बस बात है तप की, संघर्ष की, सावधानी की। इसलिए इस यात्रा ये बात, इसलिए एक प्रसंग कहा गया कि परिवर्तन असंभव नहीं है। यह ऐसा नहीं कि कोई सपना या कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। और ऐसी ही हकीकतें पूरे विश्व में, ऐसे इतिहास दोहराए गए, और उन्हीं इतिहासों में से एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के बाद जो अमेरिका में घटा और दूसरे देशों में घटा, कुछ उन्हीं तथ्यों के ऊपर भाई राजीव जी आगे प्रकाश डाल रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से भाई राजीव जी भारत स्वाभिमान में जी रहे हैं, ऐसे ही करोड़ों लोग अब इस देश में खड़े होंगे। और यह अलख अब गांव गांव जाकर के हमें जगानी है, घर घर जाकर के हमें जगानी है। मैं सब आपके लिए एक वाक्य कहना चाहता हूं, जिसको हमेशा आप अपने दिल दिमाग में रखिए। हर हकीकत पहले एक सपना होता है, और हर सपना समय के बाद हकीकत में बदल जाता है। आज हम सपना देख रहे हैं भारत की नई आजादी का, नई व्यवस्था का, 4-5 साल के बाद कौन जाने ये हकीकत में बदलेगा। आज वो सपना है, कल वो हकीकत होगा। दुनिया में हर सपना संकल्प के साथ हकीकत में बदल जाता है। तो अगर हम संकल्प के साथ लगे रहे
तो हमारा भी सपना आने वाले समय में हकीकत में बदल जाएगा, ये हर दुनिया के लिए वाक्य है। मैं एक अमेरिका की छोटी सी कहानी सुनाऊं तो आपको और उत्साह आएगा। अमेरिका गुलाम हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने अमेरिका को कैसे गुलाम बनाया। 1492 में कोलंबस नाम का एक स्पेनिश आदमी अमेरिका पहुंचा। कोलंबस जो था वो स्पेन का माफिया था, डॉन था। जैसे वास्को डी गामा था, भारत आया 1498 में, वो पुर्तगाल का डॉन और माफिया था, वैसे कोलंबस स्पेन का डॉन और माफिया था। 13वीं 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में दो देश बहुत ताकतवर थे, एक स्पेन, दूसरा पुर्तगाल। ये जो इंग्लैंड ताकतवर बना है, ये तो भारत को लूट कर बना है। 13वीं 14वीं शताब्दी तक तो इंग्लैंड की कोई हैसियत और औकात नहीं थी। 13वीं 14वीं शताब्दी में तो इंग्लैंड इतना गरीब देश था कि 100 वर्ष में इंग्लैंड के 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो उनकी जनसंख्या का आधा थे। कुल जनसंख्या थी लगभग 6.5-7.5 करोड़ की, उसमें 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। लेकिन ये भी देखो कि वो इतना भूखा देश, इतना कंगालों का देश, इतना गरीबों का देश, और बाद में जाकर के वो लुटेरों का देश बन गया, और उसने पूरी दुनिया पर साम्राज्य पर काम किया। इसलिए उस वो देश वाले जो गरीबी में, भूख में, अभाव में मर रहे थे और लुटेरे बन गए थे, वो जब पूरी दुनिया पर साम्राज्य कर सकते हैं, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। इसलिए दोनों चीजों को हमें देखना चाहिए कि आज हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, देश ऐसे ही चलेगा, ये आज 100 में से 99 आदमी की, जैसे भाई राजीव जी बार बार कह रहे थे कि जब 1857 की क्रांति भी, तब जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, ये जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब हर समय लोग एक ही बात कहते थे कि देश आजाद नहीं हो सकता। आज हमने यही अपना आज का विषय रखा है कि ये सब बातें नकारात्मक बातें हैं। और बहुत अच्छी बात कही भाई राजीव ने कि हर हकीकत एक सुहाना सपना और एक कोरी कल्पना जैसा लगता है। हर हकीकत एक सपना जैसी लगती है, लेकिन वही हकीकत जब सच हो, वही सपना जब सच होता है तब हकीकत बन जाता है। तो आपको ये विचार देने के लिए, ये भाव देने के लिए कि लोगों ने किस किस तरह से क्रांतियां की हैं, और वो क्रांति अभी जो हमारी ये क्रांति है, ये तो क्रांति उन क्रांतियों का 10वां हिस्सा होगी। हमें तो इस क्रांति के बाद में भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना, वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है, या अपने वाले इन पापियों को परास्त करना, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं है। मैं अमेरिका की कहानी सुना रहा हूं। कोलंबस नाम का एक लुटेरा डॉन माफिया 1492 में अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका पहुंचने के बाद उसने देखा कि अमेरिकी सभ्यता के जो लोग हैं उनके पास धन दौलत बहुत है। अमेरिका की जो मूल सभ्यता है ना, उसका नाम है माया सभ्यता, माया सिविलाइजेशन। तो मूल सभ्यता उनकी, उनके पास भरपूर धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, वैभव वैभव भरपूर। कोलंबस की आंखें चमक गई, चौंधिया गई, उसको लगा कि ऐसे देश में मैं आ गया। उसने कभी सुना नहीं था अमेरिका के बारे में, और उसने अमेरिका की कल्पना भी नहीं की थी। वो तो लिखता है अपनी डायरी में कि वो गलती से भटकते हुए अमेरिका पहुंच गया, गया नहीं था अमेरिका का लक्ष्य करके, पहुंच गया, जहाज लग गया उसका अमेरिका के किनारे। वहां पहुंचने के बाद जब उसने धन दौलत देखी, वैभव ऐश्वर्य देखा, तो उसने अपने कुछ साथियों को वापस स्पेन भेजा, क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन तो होता नहीं था, वायरलेस तो होता नहीं था। तो उसके कुछ साथियों को स्पेन भेजा और कहा कि बड़ी फौज भेजो, यहां बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। तो उसके सहयोगी वापस स्पेन आए, फिर स्पेन से फौजें गईं, और उसने लूटमार शुरू की अमेरिका में। अमेरिका में जो मूल रूप से लोग रहते थे ना, उनको दुर्भाग्य से एक गलत नाम दिया गया, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस उनको क्यों कहते थे? उनकी त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है, तांबा होता है ना, तांबा, हम कहते हैं ना तांबई रंग है, कॉपर कलर है। तो अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर की त्वचा का रंग ऐसा होता था जैसे तांबा होता है, तो उसको रेड इंडियंस कह दिया गया। इंडियंस उनको इसलिए किया कहा गया कि उनके नाक नक्श सब हमारे जैसे, उनका पूरे शरीर का डील डॉल भारत के जैसा। भारत की जो नाक है ना,
एक विशेष किस्म की है, ऐसी नाक चीन में नहीं है। कहते ना वो वैसे भी भारत की तलाश में निकला था, हाँ। वो वहां रुक गया। कहते ना वो वैसे भी भारत की तलाश में निकला था, हाँ। वो वहां रुक गया। उसने सोचा यही इंडियन है, यही इंडियन। रेड रेड देखे तो रेड इंडियन हो गए। निकला था भारत की खोज में, बीच में कहीं और पाला पड़ गया। तो वहां धन दौलत बहुत थी, ऐश्वर्य बहुत था, संपत्ति बहुत थी, समृद्धि बहुत थी। और माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ही अमीर और समृद्ध थी जैसे हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता। और वैसे भी आप भी अभी भी, मैं खुद अमेरिका के लगभग काफी स्टेट घूमा हूँ, वहाँ प्राकृतिक संपदा इतनी ज्यादा है, वन इतने ज्यादा है, धन इतना ज्यादा है, पेट्रोल इतना ज्यादा है, सदियों तक पूरी दुनिया को अमेरिका पेट्रोल दे सकता है, लेकिन वो निकाल नहीं रहा है, रिजर्व रखा हुआ है अपना भंडार। हीरे इतने ज्यादा, आज भी दुनिया का बहुत समृद्ध देश अमेरिका। तो उस समय वो कितना समृद्ध रहा होगा, कितनी सदियों तक अंग्रेजों ने लूटा हुआ, आगे भाई बता रहे। तो जब अपनी बहुत समृद्धि संपत्ति देखी तो फौज बुलाई इसने कोलंबस ने, और इस फौज ने लूटना शुरू किया। सबसे पहले इलाका जो लूटा गया वो मैरीलैंड के आसपास का, मैरीलैंड एक जगह है अमेरिका में, वहां का इलाका इन्होंने लूटा और जहाज भर भर के सोना चांदी हीरे जवाहरात अमेरिका से स्पेन आना शुरू हुआ। तो स्पेन के लोगों की आंखें फट गईं, कितनी संपत्ति है। तो दूसरे स्पेनिश लोग जाने लगे और लूट लूट के धन संपत्ति लाने लगे। तो फिर अंग्रेजों का, ये सॉरी स्पेनिश लोगों का अमरीकियों से संघर्ष हुआ, और माया सभ्यता के लोगों के साथ जब इनका संघर्ष हुआ तो ये थोड़े क्रूर ज्यादा थे। स्पेनिश लोग बहुत क्रूर थे और बहुत निरंकुश थे और बहुत निर्मम थे। दया, प्रेम, करुणा, ये सब उनमें कहीं था ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं था। तो जब तक उन्होंने लूटने दिया अपने आप को माया सभ्यता के लोगों ने, तब तक इन्होंने लूटा। जब उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया तो इन लोगों ने कत्लेआम करना शुरू किया उनका, और माया सभ्यता के 11 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया है। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 11 करोड़ लोगों का नरसंहार किया इन लोगों ने, खत्म कर दिया। और नरसंहार तलवार और बंदूक के ही दम पे नहीं किया, कई कई तरीकों से किया। पता है तरीके क्या थे? जैसे ये माया सभ्यता के लोगों के बीच में जाया करते थे और देख लिया कि उनकी संख्या ज्यादा है और इनकी फौज कम है, ये मार नहीं पाएंगे, तलवारों से भी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि काटते काटते हाथ भी थक जाता है ना। एक सैनिक कितने लोगों को काटेगा, 10 को 20 को 100 को 150 को 1000 10000 हो तो कैसे काटेगा। तो स्पेनिश लोग क्या किया करते थे, कंबल बांटते थे उनको, दान में कंबल दे रहे हैं आपको, और उनमें वायरस डाल देते, और वो वायरस मिले हुए कंबल जब वो ओढ़ते थे तो वायरस के इन्फेक्शन से लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। ऐसे मारा इन्होंने माया सभ्यता के लोगों, खत्म कर दिया पूरी सभ्यता को। फिर ये स्पेनिश लोगों ने जब ये कत्लेआम मचाया, लूटपाट की, तो स्पेनिश लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी शामिल हो गए उसमें, फ्रांसीसी भी शामिल हो गए उसमें, और इन लोगों ने भरपूर अमेरिका को लूटा, मूल अमेरिका को लूटा, लूट के कंगाल और खराब कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। और उसके बाद अमेरिका को जिंदगी भर गुलाम बना के रखना है यूरोप का, इसके लिए वहां बस्तियां बसाना शुरू किया। तो बस्तियां बसाई गई, जो मूल निवासी थे उनका कत्लेआम करके, खात्मा करके खत्म कर दिया, और वहां पर दूसरी बस्तियां बसाई गई। तो स्पेन से लोगों को लाकर, पुर्तगाल से लोगों को लाकर, फ्रांस से लोगों को लाकर, अमेरिका ये इंग्लैंड से लोगों को लाकर, स्कॉटलैंड से लोगों को लाकर बसाया गया। और जो लोग सबसे पहले वहां जाकर बसाए गए वो लोग कौन थे, उनका इतिहास जब मैंने ढूंढा तो बहुत शर्म आती है ये बताते हुए कि वो सब जेल के कैदी थे। स्कॉटलैंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया, इंग्लैंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया। सबसे ज्यादा इंग्लैंड से गए थे, इंग्लैंड के सबसे ज्यादा जो चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, बदमाश, उन सबको जहाजों में भर के वहां भेज दिया। माने अपने समाज का सारा कचरा, कूड़ा, करकट अंग्रेजों ने शिफ्ट कर दिया। ये हकीकत है, ये कोई मतलब पक्षपातपूर्ण बात नहीं है, मैं इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। समाज के सबसे छटे हुए गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लंपट, लफंगे, मवाली किस्म के लोगों को वहां भेज दिया, पुरुषों को, और जो वेश्याएं होती थी यूरोप की उनको भेज दिया अमेरिका।
तो इंग्लैंड और यूरोप की वेश्या और लुच्चे लफंगे ममाली पुरुषों की मदद से जो पीढ़ी पैदा हुई है वो आज की अमेरिकन पीढ़ी है। ताली मत बजाइए इसको। नहीं, एक बात दूसरी भी सुनिए, अमेरिका में बहुत तरह के लोग रहते हैं, हम एक दृष्टि से ना देखें। अमेरिका में आज जो अमेरिका है पूरी दुनिया के अच्छे लोग भी, सभ्य लोग भी अमेरिका में रहते हैं। आज अमेरिका अपने आप में कोई देश नहीं है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां महीनों महीनों रहा हूं और सबको देखा है मैंने करीब से। मैं अमेरिका को सबसे ज्यादा गाली देने वाला आदमी था, लेकिन मैंने जब वहां लोगों को देखा, आज अमेरिका की हालत बहुत अलग है। देखो, अमेरिका आज जो है उनके मूल निवासी कोई है ही नहीं। कौन है मूल निवासी? जिनको रेड इंडियन बोलते हैं। मैं उनके घरों में गया हूं, मैंने वहां जाकर के उनको देखा, इतनी दुर्दशा है। उतनी दुर्दशा हमारे यहाँ के गरीब लोगों की भी नहीं है, हिंदुस्तान के। जो मूल अमेरिकन है उन लोगों के लिए बाड़े बनाए हुए हैं, अंधेरों में रहते हैं वो लोग, बच्चों को ना पढ़ाते हैं, वहीं बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते रहते हैं, ड्रग लेते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई सुदबुद्धि नहीं उनको। आज भी वो मानो कि वो 15वीं 16वीं शताब्दी के जीवों की तरह रहते हैं, और उनको वो आगे ना बढ़े, वो कुछ मांगे नहीं। कल को वो ही रेड इंडियन बोलने लगे, सारे लोग तो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर ये सच बात है, रशिया के लोग रहते हैं, जापान के लोग रहते हैं, चीन के लोग रहते हैं, हमारे भारतीय वहां बहुत मजबूत हैं। आप सोच सकते हो, आज अमेरिका में जितने भी डॉक्टर हैं उसके 33% डॉक्टर हमारे भारतीय हैं। तो इसलिए वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, आज पूरी दुनिया के लोग उधर हैं, क्योंकि वहां संसाधन संपत्ति बहुत कुछ है। तो आज का अमेरिका उसको इस दृष्टि से मत देखना, लेकिन वहां जो सभ्यताएं पैदा हुई, इसलिए अमेरिका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, अपना कल्चर ही नहीं। क्यों? कल्चर कहां पैदा हो? शुरू में जिन लोगों को भेजा गया, गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, वेश्याएं, अब वो फिर अब वहां क्या करते हैं? फिर वहां कहते हैं जी, हम तो लेडीज लेडीज के साथ रहेंगे, जेंट्स जेंट्स के साथ रहेंगे, जैसे चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे, और वहां का अनुकरण हम यहां करने लग जाते हैं। अरे वो तो बेचारे थे ही गंदे, वो तो थे ही मवाली, वो पैदा हुए वेश्यावृत्ति से, उसमें से बहुत से लोग। वो अब वहां पर अब लेके लोग समझदार होने लगे। अब वो लोग अब अमेरिका में कहते हैं कि फैमिली सिस्टम सबसे अच्छा है, पारिवारिक सिस्टम। इसलिए अब अमेरिका भारत का अनुसरण करना चाहता है, रामायण और महाभारत की कथाएं सुना के वहां के लोगों का चरित्र अच्छा बनाना चाहता है आज का अमेरिका। तो ये अंतर आया है, लेकिन उस समय की पुरानी कहानी सुना। जब 15वीं शताब्दी की मैं कहानी सुना रहा हूं कि 15वीं शताब्दी में अमेरिका के मूल लोगों का सफाया करके यूरोप के लोगों को ले जाके जब बसा दिया गया, तब अमेरिका में कुछ लोग खड़े हुए कि ये कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा, और अमेरिका गुलाम हो गया पूरी तरह से। थोड़े समय स्पेन का गुलाम रहा, बाद में फिर अंग्रेजों का गुलाम हो गया, और अंग्रेजों ने अमेरिका को स्पेनिश लोगों से ज्यादा लूटा, खूब लूटा है अमेरिका। जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा है 17वीं-18वीं शताब्दी में, वैसे अमेरिका को लूटा है 15वीं-16वीं-17वीं शताब्दी में। और अंग्रेजों की इस लूट के खिलाफ फिर अमेरिका में अभियान शुरू हुए, और अमेरिका में जो अभियान शुरू हुए उन अभियानों का मूल मंत्र यही था, अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन करना। अंग्रेजों की सरकार चलती थी, अंग्रेजों के कानून चलते थे अमेरिका में। मैंने बताया ना, थोड़े दिन स्पेन लोगों की, स्पेनिश लोगों की सरकार चली, स्पेनिश कानून चले, बाद में अंग्रेजों ने स्पेन से सत्ता का हस्तांतरण करके खुद अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, और स्पेनिश लोगों को हराया अंग्रेजों ने अमेरिका पे कब्जा करने के लिए। बाकायदा इंग्लैंड और स्पेन में युद्ध हुआ, और स्पेनिश लोग अंग्रेजों से हारे युद्ध में, तब अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरित हुई और अंग्रेजों ने कब्जा किया। फिर अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने के लिए अमरीकियों ने संघर्ष शुरू किया, और जिन मूल अमरीकियों ने यह संघर्ष शुरू किया था उनमें से दो चार नाम आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन, आपने सुना होगा। अमेरिका की आजादी के लिए संघर्ष शुरू करने वाले लोगों में से उनका नाम बहुत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसी एक बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में, अब्राहम लिंकन। अमेरिका की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों में उनका नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। जैसे हम बहुत आदर और श्रद्धा से नाना साहब पेशवा का नाम लेते हैं, वैसे ही अमरीकी लोग बहुत आदर और श्रद्धा से
जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम लेते हैं, अब्राहम लिंकन का नाम लेते हैं, तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया। और ये जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे कोई एक दो नेता ही थे अमेरिका में जो देखते थे कि हमारी आजादी आएगी, अंग्रेजों से हम आजाद होंगे और एक दिन ये देश अपने पैरों पे खड़ा होगा, स्वावलंबी होगा, परावलंबन खत्म होगा। अमेरिका में भी यही हालत थी जो भारत में हालत थी। अमेरिका में आजादी आएगी, परिवर्तन होगा, वो एक दो लोगों की ही दृष्टि में था, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे लोगों की दृष्टि में। लेकिन उन्होंने हिम्मत से और उत्साह से काम किया, संगठन खड़ा किया, पूरे अमेरिका में उनका संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही बगावत की, ऐसे ही युद्ध किया जैसे भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। उस युद्ध में अमेरिका के लोगों की विजय हुई और अंग्रेज परास्त हुए और 4 जुलाई 1779 को अमेरिका आजाद हो गया और आजाद होकर अमेरिका में परिवर्तन आ गया। माने आप कल्पना कर सकते हैं 1770 तक, 1760 तक, 1750 तक पूरे अमेरिका में करोड़ों लोगों की आबादी में किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को ये उम्मीद नहीं थी, किसी की ये अपेक्षा भी नहीं थी कि हम आजाद हो जाएंगे। और 1789 में अमेरिका आजाद हो गया। दो चार लोगों ने सपना देखा, उस सपने को क्रियान्वित माने हकीकत में बदलने के लिए संगठन खड़ा किया। पहले विचार होता है, विचार के आधार पर हम सपना देखते हैं, सपने को पूरा करने के लिए संगठन खड़ा करते हैं और संगठन के लोगों की क्रियाशीलता और उनकी गतिविधि वो अंजाम तक पहुंचाती है, सपने को हकीकत बना देती है। तो अमेरिका में भी वही हुआ, लोगों का सपना हकीकत में बदला। पहले तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपना सपना लोगों का सपना बनाया कि हम आजाद हो सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारी अपनी व्यवस्था हो सकती है, अंग्रेजों की ये लूटखोरी बंद हो सकती है। तो लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, संगठन बना, खड़ा हुआ और क्रांति इतनी जबरदस्त हुई, अमेरिका में लाखों लोग मारे गए हैं, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में भी लाखों लोगों की शहादत हुई है, लेकिन उन्होंने आजादी हासिल की और आजादी हासिल करके उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पर चलना शुरू किया। सौभाग्य से अमेरिका की क्रांति को ये मौका मिला कि उनकी क्रांति का जो नायक था, जो हीरो था, वो अमेरिका में आजादी के बाद का पहला राष्ट्रपति बना, जॉर्ज वॉशिंगटन। ये उनको बहुत लाभ हुआ। अन्यथा हमारी भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, क्रांति के नायकों को आजादी के बाद कभी भी कोई व्यवस्था संभालने का मौका नहीं मिला। थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं अभी, नेल्सन मंडेला जी, उनको भी आप, अफ्रीका तो अभी आजाद हुआ कितने दिन पहले, 1986, ये अभी की घटना है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये दुनिया में कोई परिवर्तन ही नहीं होती, 1986 में अभी परिवर्तन हुआ है। और वहां के अभी के जो वर्तमान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, हम जब साउथ अफ्रीका गए थे तब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और जो है ईश्वर की कृपा से उनको आशीर्वाद भी फलीभूत हो गया। उन्होंने अब वहां संसद में योग सिखाने के लिए हम आमंत्रित किया अभी साउथ अफ्रीका। अमेरिका आजाद हुआ, आप सोचो 1492 से अमेरिका गुलाम हुआ, आप ऐसा मान सकते हो 1500 करीब करीब हिसाब लगाओ तो 100 साल, 1500 से 1600, 1600 से 1700 और 1700 से 1789, माने पौने 300 साल अमेरिका गुलाम रहा अंग्रेजों का और उसके बाद आजाद हो गया। माने सपना देखा किसी ने, संगठन बनाया किसी ने, ताकत खड़ी की किसी ने, परिवर्तन किया किसी ने और उनको भी आजादी आई पौने 300 साल में। अफ्रीका की कहानी और भी दर्दनाक है। अफ्रीका तो 450 साल में आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। और एक चीज मैं इसके बीच में जोड़ना चाहता हूँ, देखो हम लोग आज, अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए लेकिन सारी चीजें अमरीका अंग्रेजों के आज हम फॉलो करते हैं। सड़क पर किधर चलते हैं हम लोग, बोलो? लेफ्ट में। स्विच किधर होते हैं हमारे, जब जलाते हैं स्विच को, किसी चीज को स्विच को ऑन करना हो तो स्विच किधर रहता है, नीचे की तरफ ऑन करते हैं या ऊपर की तरफ? नीचे की। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेज करते थे। सड़क में दाईं तरफ क्यों चलते हैं? क्योंकि अंग्रेज चलते थे। गाड़ी में दाईं तरफ ही ड्राइविंग सीट क्यों होती है? क्योंकि अंग्रेज उधर बैठते थे। सारी चीजें, कानून, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, सारी अंग्रेजों की। मैं अमेरिका के लोगों की बहादुरी के लिए और उनके शौर्य के लिए, अंधानुकरण उन्होंने नहीं किया, आज अमेरिका ही ऐसा देश है
जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक भी व्यवस्था को नहीं मानता है, उसने सारी व्यवस्थाएं अपनी खुद खड़ी की। आप देखिए, जो भी लोग आप में से अमेरिका गए होंगे, अंग्रेज अमेरिकन लोग किधर चलते हैं सड़क पर? राइट में। राइट दाहिने। अरे सुन लो, ये पर राइट में। राइट दाहिने। अरे सुन लो, ये बड़ी काम की बात है। उन्होंने कहा अंग्रेज जिधर से जाता था उसके उल्टा जाना है हमको, क्योंकि उन्होंने बहुत रोंदा हमको, बहुत परेशान किया हमको। ये एक तो यहां के लोगों में, अमेरिका के लोगों में वो चीज नीचे की तरफ नहीं दबाते, वो किधर दबाते? ऊपर की तरफ। वो ड्राइविंग सीट किधर होती है? उधर लेफ्ट में। लेफ्ट, ठीक, अब तो थोड़ी राइट में भी होगी, लेकिन बोला हम इधर बैठेंगे, हम इधर से चले। जो जो काम मैंने, उन्होंने बिल्कुल कतई नहीं स्वीकार किया। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। इसलिए आज अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इसलिए बना हुआ है, उसके लोगों के अंदर स्वाभिमान है। अरे जब अमेरिका के लोग स्वाभिमान हो सकते हैं, तो हम भारतीयों क्यों अपने स्वाभिमान को खो करके जी रहे? ये मेरा कहने का अभिप्राय। ये अफ्रीका का उदाहरण और भी दर्दनाक है। आप जानते हैं अफ्रीका को 450 साल तक रौंदा अंग्रेजों ने। 16वीं शताब्दी में अफ्रीका में घुस गए अंग्रेज, और 16वीं शताब्दी से लगातार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लूटते रहे पूरे अफ्रीका को। अफ्रीका में इतनी संपदा है, सबसे ज्यादा संपदा, सोना, हीरा, मोती। मैं जब अफ्रीका की बात आई तो इसलिए बीच में कह रहा हूं, मैं इंग्लैंड में जब गया तो देखने गया था अपना कोहिनूर, जो अंग्रेज चुरा के लेके था। चोरी का सामान नुमाइश में रखा हुआ है। अब जब ये बड़ा विचित्र, सारा सामान पूरी दुनिया से चोर के लाए, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, और सारी दुनिया को दिखाते, देखो हम इतने बड़े चोर हैं। मैंने वहीं बोला तो लोग हंस रहे वहां कि बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हो, मेरी कसत बात है। अरे चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, सारी दुनिया का सामान लूट के लेके आए और फिर दिखा रहे देखो हम चोर है। मैं वहां अपना कोहिनूर देखने गया तब मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं अफ्रीका जा चुका था, मैंने देखा रे अपना कोहिनूर तो इतना सा है और अफ्रीका के हीरे, मतलब आंखें सुंधिया जाती हैं वहां, इतने ज्यादा उन्होंने वो इंग्लैंड में जमा किए हुए हैं। इस बार मैंने भाई राजीव को बोला, मैंने कहा आपको भी दिखा के लाता हूं, आप अभी कहानी सुनाते हो वहां की, आप देखो किस तरह से लूटा इन्होंने। सोना, मैं जब गया वहां स्कॉटलैंड में तो बोले बाबा जी इस मकान में 500 टन, 50 टन यहां, 100 टन यहां, 500 टन सोना, अलग अलग जगह। इतने मैंने कहा सोना कहां से आया? तो पड़ोस में एक भारतीय खड़ा था, बोले बाबा जी अपना ही तो है ये जो है। आज ये जो है हमको आंखें दिखाते हैं ना अपने भारतीय लोग, अभी भी ताकतवर है वहां। तो मैंने कहा देखो पहले तो इनको योग सिखा के बोलो कि पहले तुम धन संपदा लूट के लेके आए थे, अब तो हम तुमको योग की संपदा देते हैं, और तुम कहते हो ना कि तुम यहां से कमा रहे हो। मैंने कहा अभी तो हमारे पूर्वजों से जितना तुम लेके गए थे उसका 1% भी हमने तुमसे वापस नहीं लिया, अभी तो बहुत लेना बाकी है। अफ्रीका को 450 साल 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लूटा है अंग्रेजों ने, और दुनिया की सबसे बड़ी सोने की संपदा अफ्रीका में, दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की संपदा अफ्रीका में, दुनिया की हीरे की सबसे बड़ी खदानें और सबसे ज्यादा खदानें, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा, टनों टनों हिसाब से हीरा निकलता है, टनों टनों हिसाब से सोना निकलता है, टनों टनों के हिसाब से चांदी निकलती है, टनों टनों के हिसाब से बेशकीमती पत्थर वहां निकलते हैं। अफ्रीका जो गरीब दिखता है भौतिक रूप से, वो प्राकृतिक संपदा के रूप में दुनिया का सबसे अमीर इलाका है। आज भी है, अमीर इलाका आज भी है, 450 साल की लूट के बाद भी। उसको लूटा इन अंग्रेजों ने, और लूटा ही नहीं, बर्बरता से उसका दोहन किया, खत्म किया। जैसे मैं तो कई बार अफ्रीका का इतिहास पढ़ता हूं और भारत का इतिहास पढ़ता हूं, तो बहुत दर्द के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत पर जितने अत्याचार अंग्रेजों ने किए हैं उससे 1000 गुने ज्यादा अत्याचार अफ्रीका पर किए अंग्रेजों, 1000 गुने ज्यादा। हमारे यहां तो अंग्रेज अत्याचार करके सोना, चांदी, धन दौलत लूट कर ले गए, लेकिन हमारी जातियों को खत्म नहीं कर पाए, हमारी सभ्यता को नेस्तनाबूद नहीं कर पाए, हमारी संस्कृति को जड़ मूल से अंग्रेज नाश नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने बहुत की,
भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय जाति समूह को जड़मूल से नाश कर देने की अंग्रेज वो नहीं कर पाए, लेकिन अफ्रीका में तो उन्होंने जाति समूहों को जड़मूल से नाश कर दिया, अफ्रीकी सभ्यता का जड़मूल से नाश कर दिया, अफ्रीकी संस्कृति का जड़मूल से नाश कर दिया। आपको सुनकर इस बात का दर्द होना चाहिए दिल में कि अफ्रीका के सैकड़ों जाति समूह जो 400 साल पहले हस्ती खेलती जिंदगी बिताते थे वो जड़मूल से खत्म हो गए हैं, वो जातियां खत्म हो गई हैं पूरी अफ्रीका में। अब वो जातियां ही नहीं बची हैं जो 400 साल पहले हुआ करती थी, और अफ्रीकी संस्कृति और सभ्यता जो 400 साल पहले हस्ती खेलती दुनिया को आदर्श और दीपक दिखाने वाली थी वो आज सभ्यता के नाम पे नामो निशान मिट गया है। उनका जो भी कुछ है इस समय अफ्रीका में वो सब अंग्रेजों का और अंग्रेजियत का दिया हुआ है। उनकी अपने खान पान, उनके अपने रहन सहन, उनकी अपनी वेशभूषा, उनकी अपनी संस्कृति की भाषाएं। आपको मालूम है सबसे ज्यादा लोक भाषाएं दुनिया के किसी एक महाद्वीप में रही है तो अफ्रीका में रही है, सबसे ज्यादा भाषाएं। हिंदुस्तान के बारे में आप कल्पना करते हैं, हिंदुस्तान तो कोई महाद्वीप नहीं है लेकिन एक महाद्वीप का छोटा सा खंड है। तो भारत में 18-20 भाषाएं हैं और 1632 बोलियां हैं, 1632 बोलियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का ऐसा महाद्वीप रहा है जहां 3000 से ज्यादा बोलियां रही हैं और 24-25 से ज्यादा भाषाएं रही हैं वहां पर। इतना समृद्धशाली रहा है भाषा के स्तर पर, बोलियों के स्तर पर, भूषा के स्तर पर। खान पान भोजन की 400 साल पहले की उनकी परंपराओं को देखेंगे और जानेंगे तो आंखों दांतों से उंगली दबानी पड़ती है, इतने हैरान करने वाले आंकड़े और दस्तावेज मिलते हैं अफ्रीका के। खान पान की इतनी विविधता उस देश में, हर एक इलाके में खान पीन के इतने सामान मिल जाएं कि कोई आदमी जन्म से पैदा हो और मृत्यु के दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन खाने की इच्छा व्यक्त करे, तो अफ्रीका में मौजूद रहा है 400 साल पहले तक। और उनकी चिकित्सा पद्धति तो दुनिया में अद्भुत रही है, जैसे हमारी एक चिकित्सा पद्धति रही आयुर्वेद जिसने सारी दुनिया को एक दिशा दी है, वैसे ही अफ्रीका की अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है कुछ इसी तरह की जैसे आयुर्वेद रहा है, और अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है। शिक्षा की उनकी अपनी पद्धति रही है, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे रहे हैं 400 साल पहले, विज्ञान में बहुत सारी खोजें उनके यहां से हुई हैं, बहुत सारी बातों में वो हमसे मिलते जुलते हैं, काफी चीजें उनकी हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं। और अफ्रीका और हिंदुस्तान का अध्ययन किया जाए तो अफ्रीका की रिचनेस का सबसे बड़ा कारण है 400 साल पहले के दस्तावेज देखने के बाद भारत से उनका संबंध। अफ्रीका के 53 देशों का भारत के साथ 3000 साल पुराना संबंध रहा है, 53 देशों का। एक देश है उसमें से साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका साउथ अफ्रीका नहीं है, पूरा अफ्रीका तो बहुत बड़ा खंड है, साउथ अफ्रीका उसका एक छोटा सा देश है। साउथ अफ्रीका है, सोमालिया है, रोडेशिया है, जिम्बाब्वे है, ऐसे वहां छोटे छोटे 53 देश हैं। उन 53 देशों का 3000 साल तक भारत के साथ सीधा संबंध रहा है, व्यापार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, विज्ञान और वैज्ञानिकता के आधार पर। यहां के व्यापारी अफ्रीका में 3000 साल व्यापार करते रहे। आपको सुनकर हैरानी होगी, 400 साल पहले तक हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मसाला खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के आने जाने का सबसे पसंदीदा स्थान अफ्रीका था। हमने कपड़ा बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले अफ्रीका को दी, और अफ्रीका से फिर वो इंग्लैंड में पहुंची और इंग्लैंड ने उसकी फिर नकल करके अपने यहाँ टेक्सटाइल मिलें स्थापित की। तो भारत का अफ्रीका का 3000 साल का व्यापारिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। उस संबंध की ताकत पर अफ्रीका उतना ही समृद्धशाली था जितना करीब भारत था, और हम अफ्रीका को जो भी माल बेचते थे अफ्रीका उसके बदले में हमको सोना देता था, हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको चांदी देता था,
हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको हीरे जवाहरात देता था, इसलिए भारत में सबसे बड़ा हीरे का भंडार इकट्ठा हुआ, इसलिए भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया, इसलिए भारत में सबसे बड़ा चांदी का भंडार बन गया। आप जानते हैं भौगोलिक रूप से भारत में सोना पैदा नहीं होता ज्यादा। कर्नाटक एक राज्य है और वहां भी एक छोटा सा जिला है कोलार, उस जिले में 2-3 खदानें हैं सोने की, लेकिन दुनिया का इस समय सबसे ज्यादा सोना भारत में ही है। ये अफ्रीका के साथ 3000 साल के हमारे जो संबंध रहे हैं उसका परिणाम है। हमने 3000 साल अफ्रीका को ऐसी वस्तुएं बेची जो उनके यहां नहीं होती थी, और अफ्रीका ने 3000 साल ऐसी वस्तुएं हमको दी जो हमारे यहां नहीं होती थी। बार्टर सिस्टम का व्यापार हमने अफ्रीका से किया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार अफ्रीका रहा 3000 साल, ईसा के जन्म से 1000 साल पहले से। महात्मा ईसा की बात की जाती है ना, फर्स्ट एडी की बात करते हैं, उनके जन्म के 1000 साल पहले से भारत और अफ्रीका के व्यापार स्थापित हो चुके थे और भारत के मूल व्यापारी वहां जाके व्यापार करते थे और अफ्रीका के लोग यहां आकर बहुत कुछ सीख के वापस जाया करते थे। तो भारत और अफ्रीका का सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और वैचारिक सब तरह का संबंध रहने से जब वहां की समृद्धि बहुत जबरदस्त थी तो यहां भी वो थोड़ी सी समृद्धि आई और हम भी उनके जैसे ही समृद्धशाली हुए। बाद में 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों की नजर अफ्रीका पे पड़ गई, क्योंकि मैंने बताया ना अंग्रेज भुखमरी के शिकार थे, इतनी भूख से मौतें होती थी कि पूरा समाज परेशान था, इसलिए वो समाज ने बाहर जाना शुरू किया। देखिए हम भारतवासी कभी भी बाहर नहीं गए क्योंकि हम भुखमरी के शिकार कभी हुए ही नहीं। जो भूख का शिकार होता है, जिसको अभाव बहुत होता है, जिसको बेबसी बहुत होती है, जिसको लाचारी बहुत होती है, वही बाहर जाता है। आप जानते हैं ना, बाहर जाने का जो सिद्धांत है वो यही है। भूख से पीड़ित जो समाज होगा, बेबसी से पीड़ित, लाचारी से पीड़ित जो समाज होगा, उसके लोग बाहर का रुख करेंगे कि चलो कहीं से कुछ कमा खा के लाएं। आज जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा जहां मिलेगा, ये है सिद्धांत। तो वो यहाँ भी एक तरह से भूख और बेबसी के शिकार है। भारत में उनको भूख और बेबसी लगती है, अमेरिका जाके कुछ ज्यादा समृद्धि आएगी। तो हजारों साल से भारत के समाज में समृद्धि रही, संपत्ति रही, इसलिए भारत के लोग कभी बाहर नहीं गए। कहीं व्यापार करने के लिए तो गए, लूट मार करने के लिए नहीं गए, लूट खसोट के लाने के लिए नहीं गए। हम गए तो शिक्षा का प्रचार करने, संस्कृति और संस्कृत का प्रचार करने, हम गए तो व्यापार का काम करने या सभ्यता का प्रचार करने, अंग्रेज गए तो लूट मार करने, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तो पुराने दस्तावेज बताते हैं कि ये कंपनी बनी थी समुद्र के रास्ते से जो जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए, उन जहाजों को लूटने के लिए ये कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया लुटेरों की कंपनी थी। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी लिस्ट है मेरे पास, 21 लोग थे, सब बड़े बड़े लुटेरे उसमें, इंग्लैंड के, लंदन के, उस जमाने के छठे हुए लुटेरे, डॉन माफिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुआ करते थे। उनका धंधा ही ये था कि इंग्लैंड के नजदीक समुद्र के रास्ते से जो जहाज भी जाएगा उसको डुबो देना, उसका माल लूट लेना। इसके लिए वो कंपनी बनी थी। और इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब ही लूट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, माने लूटमार करने वाली कंपनी। वहां की डिक्शनरी में जो ट्रेड, आप डिक्शनरी में ट्रेड का अर्थ निकालेंगे ना 16th-17th century की डिक्शनरी, अब नहीं तब 16वीं-17वीं शताब्दी की डिक्शनरी देखेंगे, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी है, उसमें TRAD ट्रेड इज इक्वल टू प्लंडरिंग बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ट्रेड के सामने लिखा है लूटमार, प्लंडरिंग माने लूटमार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी। तो हमारे दिमाग में क्या कल्पना आती है ट्रेडिंग कंपनी का माने, व्यापार करने वाली, कुछ खरीद बेच करने वाली, उनके लिए ट्रेडिंग का माने है लूटमार करने वाली। तो ये लूटमार करने वाले लोग जहां जहां गए, भारत में गए हों, अफ्रीका में गए हों, या अमरीका में गए हों, या दुनिया के दूसरे देशों में गए हों, हर जगह उन्होंने एक ही काम किया है, लूटमार लूटमार लूटमार, और वहां की स्थानीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना। और उस अफ्रीका ने जो 450 साल लुटता रहा, अपनी आजादी का इतिहास लिखा है। अफ्रीका में जैसे यहां महात्मा गांधी हुए,
सरदार भगत सिंह हुए, लोकमान्य तिलक हुए, विनायक दामोदर सावरकर हुए, ऐसे ही अफ्रीका में बड़े वीर क्रांतिकारी हुए। नेल्सन मंडेला उसमें से एक है, जिनका नाम आप सब आज जानते हैं, उनको अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, इतनी हैसियत के व्यक्ति। और उनसे पहले सैकड़ों शताब्दियों तक ऐसे क्रांतिकारी वहां होते रहे हैं, अपने लिए संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। ईस्ट अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ, हम सबके लिए भी गर्व की बात है। उस ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट अफ्रीका में की बात है उस ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ, उस आजादी की लड़ाई में भारतीय लोग अग्रणी थे और अफ्रीका को मुक्त कराने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। वहां की सरकार भी अभी इस बात को मानती है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि 450 साल की गुलामी से अफ्रीका आजाद हुआ, परिवर्तन उनके यहां हुआ जिसकी कल्पना किसी ने कभी की नहीं दुनिया में। दुनिया के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि अफ्रीका आजाद होगा। अफ्रीका वाले तो हताशा और निराशा में थे ही, दुनिया के लोग कहते थे ये अफ्रीका तो कभी आजाद नहीं हो सकता, लेकिन वो भी आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को आजाद कराया, आपको मालूम है। हिम्मत दी। हम जैसे ही 1947 में आजाद हुए, धड़ाधड़ देश के देश आजाद होना शुरू हो गए। 1949 में चीन की आजादी आई है, आपको मालूम है, हमसे 2 साल बाद चीन आजाद हुआ। और चीन में भी ऐसे ही एक क्रांतिकारी ने सपना देखा कि वो भी आजाद हो सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं और पूरी सत्ता बदल सकते हैं, परिवर्तन समाज में और सत्ता में दोनों स्तर पर हो सकता है। माओ ज़ेडुंग बहुत बड़ा क्रांतिवीर था चीन का, ऐसा ही सपना देखने वाला आदमी था जैसे हम भारत के लोगों को जानते हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे ही माओ ज़ेडुंग था। उसने सपना देखा कि चीन को आजाद कराना है। चीन भी ऐसी ही गुलामी का शिकार था, अंग्रेजों ने चीन को भी लूटा है, आपको मालूम है, और पूरे चीन को अंग्रेजों ने अफीम पिला पिला के बर्बाद कर दिया था, पूरे चीन को। अंग्रेज क्या करते थे, हिंदुस्तान से अफीम ले जाते थे, चीन में बेचते थे, चीन से चाय लाते थे, भारत में बेचते थे, भारत को चाय पिलाकर बर्बाद किया और चीन को अफीम पिला के बर्बाद कर दिया। नहीं, सच बात है ये। नहीं, अभी हमारे नेता हमको दारू पिला के बन, दारू पियो, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, ड्रग लो, तुम मरो, जो जिस समाज को गुलाम बनाना हो उसको नशेड़ी बना दो, वो कभी होश में नहीं आएंगे, वो सोचेंगे हम तो स्वर्ग में रह रहे। जो दारू पी लेता है ना, वो आदमी तो कहता है मैं तो सम्राट हूं। तो आज भी भारत को ये आजादी नहीं है, ये दारू पिला के देश को सुलाया हुआ है। पियो दारू, पियो सिगरेट, पियो बीड़ी, खाओ तमाकू, खाओ गुटखा, ये 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 हमारी आज की भी आजादी। और रूस में भी तो हुआ। 1919 में रूस में एक बड़ी क्रांति हुई है जिसको रूस के लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। 1919 के पहले रूस की भी हालत यही थी। 1919 में रूस के पहले ऐसा ही सामंतवाद था जैसे भारत में कई बार आपको चित्रित किया जाता है या पिक्चराइज किया जाता है। पूरी संपत्ति रूस की, रूस नहीं कहना चाहिए, रूस के आसपास के छोटे बड़े 20-25 देशों का जो संघ था, सोवियत संघ जिसको कहा जाता था, वहां सारी की सारी संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया। 1919 के पहले जमीन हजारों एकड़ कुछ थोड़े से किसानों के हाथ में, और कारखाने करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति के थोड़े से हाथ में। रशियन हिस्ट्री का जब मैं अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि पूरी संपत्ति रूस की 5-7% लोगों के हाथ में आ गई थी, पूरी संपत्ति। समाज की 93% कैपिटल, 93% पूंजी और संसाधन 7-8% लोगों के हाथ में केंद्रित हो गए थे। जमीन 8-10% किसानों के हाथ में केंद्रित हो गई, हजारों एकड़ जमीन एक एक किसान के हाथ में, और सैकड़ों सैकड़ों कारखाने और धन संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में। तब वहां लेनिन जैसे लोग खड़े हुए जिन्होंने एक लोगों को आशा की किरण दिखाई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि लेनिन अकेला ही था जिसने सपना देखा कि मुझे रूस में या सोवियत संघ में व्यवस्था परिवर्तन करना है।
और वो व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखने वाला अकेला आदमी संगठन बनाते 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 एक दिन इस स्थिति में आ गया कि पूरी व्यवस्था को बदल दिया, ध्वस्त कर दिया और सब कुछ नया हो गया। तो आज के इस पूरे व्याख्यान का जो मुख्य मूल बिंदु है, जो आपके ध्यान में लाने का है, वो यही है कि परिवर्तन होता है, सपना देखने वाला कोई एक होता है, फिर वो एक आदमी अपने विचार से सपना देखने वाले लोगों की जमात खड़ी करता है, अपने सपने में करोड़ों करोड़ों लोगों को सहभागी बनाता है। कोई एक आदमी सपना देखेगा कि भारत में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, फिर उस सपने में करोड़ों लोगों को वो शामिल करेगा। जब करोड़ों लोग उसकी शक्ति हो जाते हैं तो वो सपना बहुत आसानी से हकीकत में बदल जाता है। तो एक सपना लेनिन ने देखा रूस में, एक सपना वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन ने देखा अमेरिका में, एक सपना नेल्सन मंडेला ने देखा अफ्रीका में, एक सपना कभी 1947 के पहले भारत में देखा नाना साहब पेशवा, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, आज़ादी के बाद कभी देखा जेपी ने, और अब मैं मानता हूँ कि वही सपना परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आज देख रहे हैं। और करोड़ों लोगों का सपना जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन इस देश में पूरी व्यवस्था बदलेगी, नई आजादी आएगी, नई व्यवस्था बदलेगी। भले आज हम सैनिक हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन सेनापति को दिखाई देता है। तो आप अभी सेनापति की आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से मत देखिए, क्योंकि आपको तो दिखाई देगा नहीं, मुझे दिखाई देगा नहीं, आपको दिखाई देगा नहीं। तो अपने सेनापति को जो दिख रहा है, अपने लीडर को जो दिख रहा है, अपने आध्यात्मिक गुरु को जो दिख रहा है, वही आंखें आप बन जाइए, आपको भी वही दिखने लगेगा। और आप भी कहने लगोगे बहुत जल्दी कोई बड़ा जलजला इस देश में आने वाला है, बहुत जल्दी कोई व्यवस्था परिवर्तन का काम इस देश में होने ही वाला है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि हर देश के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में कुछ एक दो कमजोरियां रही हैं, अपने देश में भी व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में एक दो कमजोरियां रही हैं। सबसे बड़ी कमजोरी रही है किसी भी देश के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में, वो धीरज, धैर्य की कमी। धीरज नहीं होने से, धैर्य नहीं होने से समय से पहले कोई काम शुरू कर दिया और अति उत्साह में ऐसा कर दिया कि थोड़े दिन में निराशा और अवसाद के शिकार होके, डिप्रेशन के शिकार होके बैठ गए। हम में वो कमी नहीं आने पाए, हम में वो धीरज की कमी ना आने पाए, हम अधीर ना होने पाए, हम धीरज बनाए रखें अपना और दूसरों का धीरज टिकाए रखें। और दूसरा, जब भी व्यवस्था परिवर्तन का समय नजदीक आता है, स्वार्थी लोग सबसे आगे आ जाते हैं, ध्यान रखना ये। अभी तो वो दूर से बैठ के देख रहे हैं, वो एक हम अंग्रेजी में कहते हैं ना फैन सीटर, दीवार पे बैठ के जुलूस को देखने वाले लोग, अभी सारे स्वार्थी लोग पार्टियों के नेता वहीं बैठ के देख रहे हैं बाबा जी कहां तक आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग जुड़ गए हैं और कितने जुड़ने की तैयारी है। जैसे ही जलजला शुरू होगा ये सब कूद के आगे आ जाएंगे और झंडा उठा के सबसे पहले आपके आगे चलेंगे। तब आपको ध्यान रखना है कि इनको आगे नहीं आने देना है, इनको झंडा नहीं उठाने देना है, झंडा आपके हाथ में रहेगा, वो आपके पीछे चलेंगे। इतना ही मुझे आपसे कहना है, धन्यवाद।